हेलो फ्रेंड, मैं आशीष आप लोगों के सामने लेके आया हूँ अपना नया यूट्यूब चैनल फिट टू हेल्थ। जैसा कि इसके नाम से आप लोग जान सकते हैं कि अच्छे हेल्थ के लिए आपको फिट होना बहुत ही जरूरी है। इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को मेडिसिन के बारे में बताऊंगा कि क्यों कौन सी मेडिसिन को किस इंडिकेशन में यूज करना है, कितनी मात्रा में यूज करना है, इस मेडिसिन के क्या इफेक्ट हैं, क्या साइड इफेक्ट हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आइए चलते हैं, वीडियो की शुरुआत की जाए। आज हम आप लोगों को ऐसी मेडिसिन के बारे में बताना जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यूज होती है। जी हाँ, पैरासीटामॉल। पैरासीटामॉल को ऐसा बहुत ही कम लोग हैं जो इसके बारे में न जानता हो। पैरासीटामॉल को हम एसीटामिनोफेन के नाम से भी जानते हैं और इसका यूज हम एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक इफेक्ट में करते हैं। एंटीपायरेटिक मीन्स ये फीवर को कम करता है और एनाल्जेसिक मीन्स ये बॉडी पेन को कम करता है। पैरासीटामॉल नसेट्स ग्रुप के अंतर्गत आती है। नसेट ग्रुप मीन्स नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। जैसा कि हम आपको बता सकते हैं कि इसके अंदर स्टेरॉयड नहीं पाया जाता है और ये बहुत ही वाइडली यूज्ड मेडिसिन है। मोस्ट एसेंशियल मेडिसिन है, WHO की लिस्ट में इसका नाम आता है और ये ओवर द काउंटर इसका यूज बहुत ही तेजी से होता है। ओवर द काउंटर मीन्स कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हम इसको किसी भी मेडिकल स्टोर के काउंटर से ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी इसकी बेसिक जानकारी। आइए अब इसके हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। 1900 से पहले दर्द और बुखार में जो हम मेडिसिन यूज करते थे उसका नाम था फेनेसिटिन और एसिटानिलाइड। दोस्तों, इन दवाओं के यूज से हमको बहुत ही ज़्यादा साइड इफेक्ट सामने आते थे और बहुत ही एडवर्स इफेक्ट सामने आते थे। तो अब हम लोगों को एक ऐसी मेडिसिन की आवश्यकता थी जिसका कि हमारे शरीर पे एडवर्स इफेक्ट बहुत कम हो और इसका साइड इफेक्ट बहुत कम हो। तो दोस्तों, पैरासीटामॉल को सबसे पहले USA में 1950 में इंट्रोड्यूस किया गया था तथा 1970 से ये ऑल ओवर वर्ल्ड इसका यूज किया जाने लगा। दोस्तों, ये थी इसके हिस्ट्री के बारे में। आइए जानते हैं कि इनको किन किन इंडिकेशन में आपको देना चाहिए। फीवर में टू कंट्रोल द टेम्परेचर और पेन, जैसे हेडेक, बॉडी एक, टूथ एक एंड बैक एक अगर हो रहा है तो इसका यूज बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। अब लोगों के दिमाग में यह आता होगा कि पैरासीटामॉल टेम्परेचर को कैसे रिड्यूस करता है और बॉडी को पेन को कैसे कंट्रोल करता है। तो दोस्तों, आइए इन सवालों का हम जवाब देते हैं। हाउ टू कंट्रोल फीवर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 फारेनहाइट होता है जो कि हमारे ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होता है और हाइपोथैलेमस के द्वारा रेगुलेट होता है। जब हमें कोई इन्फेक्शन होता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रेशन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होने लगता है जिसके कारण हाइपोथैलेमस का वर्क डिस्टर्ब हो जाता है। देन बॉडी एक नए टेम्परेचर को सेट कर लेती है जिसे हम फीवर कहते हैं। जब हम पैरासीटामॉल को इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को कम कर देता है जिसके कारण प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रेशन बहुत ही कम मात्रा में होने लगता है और धीरे 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 बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाती है। फिर हाइपोथैलेमस अपने वर्क पर आ जाता है और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर लेता है। तो दोस्तों, ये थी कि पैरासीटामॉल हमारे फीवर को कैसे कम करता है। अब आइए जानते हैं कि पैरासीटामॉल पेन को कैसे कंट्रोल करता है। जब कभी हमें इंजरी होती है तो प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रेशन बढ़ जाता है जिसके कारण नर्व्स स्टिमुलेट होने लगता है और हमारे ब्रेन को एक मैसेज जाता है जिसके द्वारा हमको पेन का फील होता है। लेकिन जब हम पैरासीटामॉल को इंड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर तब प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को ब्लॉक कर दिया जाता है और कोई भी मैसेज हमारे ब्रेन को नहीं पहुंचता जिसके कारण हमको पेन फील नहीं होता है। जबकि हमको इंजरी हुई रहती है, पेन होता है, लेकिन हमको वो फील नहीं होता। तो दोस्तों, आइए अब इसके डोज के बारे में जान लेते हैं। पैरासीटामॉल का डोज 10 से 15 mg पर kg के हिसाब से किया जाता है। जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, कोई 10 किलो का व्यक्ति है तो उसको 150 mg दिन में 3 से 4 बार दिया जाना चाहिए और कोई व्यक्ति अगर 20 केजी का है तो उसे 300 mg के हिसाब से दिन में 3 बार से 4 बार देना चाहिए और कोई अगर एडल्ट है
तो उसको 500 mg से 650 mg तक दिन में 3 से 4 बार दिया जा सकता है। आइए अब इसके साइड इफेक्ट के बारे में जानते हैं। ये सिर्फ उन व्यक्तियों को होता है कि जो सेंसिटिव होते हैं पैरासीटामोल के मॉलिक्यूल से, ये सिर्फ उसी के अंदर साइड इफेक्ट शो करता है, जैसे नौजिया, वोमिटिंग, रैशेस, और ओवरडोज में ये लीवर को डैमेज कर सकता है। और इसका मेन प्रिकॉशन ये है कि किडनी पेशेंट और लीवर पेशेंट इसका यूज बहुत ही कम मात्रा में करें। पैरासीटामोल बहुत ही अलग अलग दवाइयों के साथ कंबाइंड होकर आता है, जैसे कि पैरासीटामोल निमोसलाइड, पैरासीटामोल ब्रूफेन, पैरासीटामोल एसिक्लोफेनक, पैरासीटामोल और एंटीकोल्ड मेडिसिन के द्वारा ये कंबाइंड होकर आता है। और प्रेगनेंसी और लैक्टेशन वुमेन में ये बहुत ही सेफ दवा है, लेकिन इसका यूज बहुत ही कम मात्रा में और जब आवश्यक हो तभी करना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि पैरासीटामोल के बारे में मैंने आप लोगों को काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। अगर आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगे तो कृपया इसको लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कर दीजिए, ताकि उन सबको भी पैरासीटामोल के बारे में जानकारी हो जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।